जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं अलर्ट मोशन एप्लीकेशन की मदद से ग्लो स्कैन वाला सॉन्ग लिरिकल ब्लैक स्क्रीन वीडियो। वो भी कुछ फ्यू स्टेप्स है, बस आप फॉलो करो और आपका वीडियो बन जाएगा। सो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके 4:5 को सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऑडियो के सेक्शन पे जाके व्यू ऑल करके अपने कोई से भी सॉन्ग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। जैसे ही आप सॉन्ग को ऐड कर लेते हो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारी लिरिक्स को। लिरिक्स को लिखने के लिए आपको यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करना है। आपको नीचे मिल जाएगा टेक्स्ट का ऑप्शन, आप सिंपली उस पे क्लिक करें और अपनी जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है वो आप यहाँ पे सिंपली लिख डालें। सो गाइस, जैसे ही आप अपनी लिरिक्स को लिख लें, यहाँ पे मैंने मेरी लिरिक्स को लिख लिया है, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट ही तो इसको अलाइन कर लें। देन आपको यहाँ पे रोबोट रेगुलर लिखा आएगा, ये एक्चुअली फंड है। हम यहाँ पे एक फंड को ऐड करेंगे और इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिंपली इसको डाउनलोड करके अलर्ट मोशन में इंपोर्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में फंड को कैसे ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगी वीडियो को, आप सिंपली उसको भी देख सकते हो। देन आपको फंड को ऐड करने के बाद या फिर फंड को सेलेक्ट करने के बाद साइज को रख लेना है 28 PT। देन इसके कलर को हम कर लेंगे व्हाइट। देन इसको हम इस पे राइट पे क्लिक कर देंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे आके साइज के ऑप्शन पे हम फर्स्टली तो आएंगे, देन इसकी साइज को यहाँ से थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे। आप इसको कितना विजिबल करना चाहते हो उसके अनुसार अपनी इस साइज को रख लो, मैं इतनी रख लेता हूँ। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कुछ इफेक्ट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारा इफेक्ट का नाम है मोशन ब्लर, तो सिंपली हमें इफेक्ट्स के सेक्शन पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे हमें सिंपली सर्च कर लेना है मोशन, तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा मोशन ब्लर। आप उसको सिंपली सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में आप इसको फर्स्टली तो ले लें। देन आपको यहाँ पे कुछ ट्यून मिलेगी, आपको ट्यून को रख लेना है 1.30। आप इसको जैसे ही 1.30 पर सेलेक्ट पे इसको फर्स्टली मिनिमाइज करो, देन ऐड इफेक्ट पे वापस से जाओ और आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट को सर्च करना है जिसका नाम है टैक्स। आप टैक्स लिखोगे आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा टैक्स ट्रांसफॉर्म। आप उसको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में फर्स्टली तो ले लें। देन इसको ओपन करें, आपको यहाँ पे एक एंड मिलेगा, उस पर आप सिंपली क्लिक करें। देन आपको क्या करना है, एंड पर ही रहना है और यहाँ पे आपको एक एंड में आके की फ्रेम लगा देनी है, जो यहाँ पे प्लस का पहले मिल रहा था ना, इसको हम की फ्रेम्स बोलेंगे या फिर पॉइंट बोलेंगे हमारे वीडियो के लिए। आपको यहाँ पे एक एंड में लगानी है और एक सबसे स्टार्टिंग में आपको लगा देनी है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्टली लगाई थी की, उसको तो हमें 100 पर ही रहने देना है। ये आपको दिख रहा है 100% पर डायल, उसको 100 रहने दो। बट जो आपने लास्ट में की लगाई थी, आपको उसको रख लेना है 30% तक। सो गाइज, एंड को आप जैसे ही 30 पर रख लो, आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा फेस का ऑप्शन। फेस के ऑप्शन में आपको सिंपली वापस से 2 कीज लगा देनी है, एक एंड में और एक स्टार्टिंग में। जो आपने स्टार्टिंग में लगाई थी, आपको उसको रख लेना है माइनस का 60%। तो मैं इसको फर्स्टली तो कर लेता हूँ। देन आपने जो लास्ट में की लगाई थी, आपको उसको रख लेना है 82% पॉजिटिव का। तो मैं इसको 82 सिंपली कर लेता हूँ। सो गाइज, जैसे आप फेस को 82 पर सेलेक्ट कर लें, लास्ट वाली की को आपको नीचे आना है। आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा, उसको तो आप लेटर पे ही सेट रहने दो और इसको नीचे कंपोनेंट पर सेलेक्ट कर दो एंकर को। देन आपको नीचे एक ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंपली एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस आपको देखने को मिल जाएगी। एक्स एक्सिस को आप क्या करो, माइनस का 16 आप रख दो। देन आपको जो वाई एक्सिस है, आप उसको 0 पर ही सेट रहने दो। एंगल को क्या करना है, 11 पर या 10 डिग्री पर हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं इसको 11 पर कर लेता हूँ। देन हमें नीचे एक स्केल देखने को मिल जाएगी, उसको हमें कर देना है 0.90, मैं इसको कर देता हूँ। देन हमें नीचे मिलेगा एक स्ट्रेच, उसको हमें कर देना है 0.36 नेगेटिव का, तो मैं इसको भी 36 कर देता हूँ नेगेटिव का। नीचे अल्फा देखने को मिलेगा, उसको हमें 0.0 रहने देना है। नीचे हमें कुछ भी नहीं चेंज करना, बस इधर मिलेगा एस और एस। एस इन को रख देना है नेगेटिव का 100, एस आउट को रख देना है पॉजिटिव का 100। ओवरलैप को आपको 0 रहने देना है, बस आपको शेप को स्मूथ पर सेलेक्ट कर लेना है। सीड को आप रहने दो 0 पर ही। तो ये हमारी होगी एकदम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाली सेटिंग्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है ऑसिलेट। ये रहा ऑसिलेट, इसको भी आप स्टैंडर्ड सेटिंग में सेलेक्ट कर लो।
देन इसको ओपन करो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एंगल जिसको आप रख दो 90 डिग्री पर, और आपको नीचे मिलेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, एक की हमें लगानी है यहाँ पर, यानी कि की फ्रेम्स लगानी है वापस से, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। अब आपको तो पता हो गया है, बस जो स्टार्टिंग में लगाई थी आप उसको 2 हर्ट्ज पर ही रहने दो, और जो आपने लास्ट में लगाई थी आप उसको कर दो एकदम 0-0। देन हमें मैग्नीट्यूड देखने को मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड हमें रख देना है फर्स्टली में, एक की लगा देनी है, एक एंड में भी की लगा देनी है, और जो आपने फर्स्टली लगाई थी उसको आपको कर लेना है 60, और जो लास्ट में लगाई थी आपने की फ्रेम उसको आपको कर देना है 1 पर। देन आपको एक वेव का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको साइन पर ही रहने दो। फेस आपको मिलेगा, फेस को आप 0-0 ही रहने दो। अब हम इसमें एक लास्ट इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है फेड इन आउट, उसको आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लो, और इसकी कुछ सेटिंग्स ज़्यादा नहीं है, बस आपको इनको रख देना 0.10 सेकेंड्स, और इसको आउट को रख देना 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गई हमारी सेटिंग्स। अब हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, बट इसमें एक कमी है, वो कमी हम दूर करते हैं। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर एक की लगानी है और एक एंड में की लगानी है। आप टेंशन ना लो, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, बस होने ही वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें लास्ट वाली की लगाई थी हमें उस पर ही रहना है, और हमें इसको स्वाइप करने की कोशिश करनी है राइट साइड की ओर। आप इसको सिंपली ऐसे राइट साइड में स्वाइप करते रहो, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। ठीक है, और इसको जो अपने की फ्रेम लगाई थी उसको आप पूरा एंड तक लेके आ जाओ। देन हमें यहाँ पे एक मिलेगा कर्व का ऑप्शन, आप उस पर जाके इसको एनेबल कर लो ओवरशूट को, सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके। अब हमें क्या करना है, इसको इतना करना है और इसको ऐसे कर देना है जैसे मैंने किया, आप वैसा कर दो। देन अब आप इसको स्लाइड करके यहाँ पर लेके आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे मत रहना। आप यहाँ पे सिंपली एग्जिट आके इसको यहाँ पे स्वाइप करके अंगुली से, या आप कह सकते हो फिंगर की हेल्प से, आप इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। गाइस हमें कुछ टेक्स्ट हमारा ऐसे बन के आ रहा है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर वापस से क्लिक करके, प्लस पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट फर्स्टली कर लेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, हमारी नेक्स्ट लिरिक्स को लिखने के लिए। अब जो हमारी डुप्लीकेट होके आई है लेयर, उसको हम सिंपली यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसको स्लाइड कर लेंगे। देन हमें इस पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पर जाके हमें अपनी नेक्स्ट लिरिक्स को यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे मेरी नेक्स्ट लिरिक्स को भी टाइप कर दिया है। आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी सारी लिरिक्स को लिख लेना है। अब हम डालेंगे इसमें एक ग्लो इफेक्ट, जो कि हम डालेंगे नोड वीडियो एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों शिफ्ट हो रहे हो, पहले इसको पूरा लिख लें और फिर इसको एक्सपोर्ट करके वहां पर चलते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे मेरी लिरिक्स को यहाँ पे सिंपली तो लिख लिया है। देन हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको सिंपली एक्सपोर्ट तो फर्स्ट लिख कर लूंगा। देन हम मिलते हैं नोड वीडियो एप्लीकेशन पे। सो गाइज, आपका वापस से स्वागत है नोड वीडियो पे। हमें हम क्या करना है, यहाँ पे प्रो मोड को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रेशियो पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करना है। देन हमारे रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1280, हमें उसको इरेज कर लेना है क्लिक करके। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, आप वहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ, आप सिंपली उसको लिख दो। आपको यहाँ पे लिखना है 1080, और जो सेकंड वाले को आपको फिल करना है कुछ 1350। ठीक है, इस सेटिंग्स को आपको करके आपका रेजोल्यूशन एकदम 4:5 का हो जाएगा। प्लस पे क्लिक करो, मीडिया पे जाके वीडियो को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लो। मैं कर लेता हूँ उस वाले को जो हमने वहाँ पे बनाया था। उस पर बनाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। असिस्ट स्टोर के अंदर जाके आपको यहाँ पे होट पे ही मिल जाएगा 4th नंबर पर ग्लो स्कैन, आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो। देन इसके रेडियस को आपको रख लो 1.50, और आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। अब आपका वीडियो एकदम कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है, बधाई हो। तो ये ऐसा बन के आएगा वीडियो। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ग्रीन पर टिक कर देना है, आपका वीडियो सिंपली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। यही था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल पे भी नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।